नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश तिवारी और आज है नए साल का पहला दिन। घमासान.com अपने सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं देता है। हमारे साथ मौजूद हैं टेरो कार्ड रीडर भूमिका कलम जी। भूमिका जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार मुकेश। और भूमिका जी हमें बताएंगी कि नया साल कैसा रहने वाला है 12 राशियों के लिए भी, देश के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। नमस्ते। हमारा 2019 के लिए जो पहली राशि है हमारी मेष राशि, मेष राशि के लिए कार्ड खुला है जजमेंट का। और जजमेंट का कार्ड हमें बताता है कि हमारा एक तुलनात्मक आकलन भी इस प्रकृति द्वारा हो रहा है, इसीलिए हमें खास ख्याल रखना है जो हमने पुराने कार्य किए हैं और जो हम नए कार्य की योजनाएं बना रहे हैं उसमें एक बहुत बैलेंस बना के रखें। दूसरा, नैतिकता में हमेशा आगे रहें, प्रकृति के अनुरूप कार्य करें। और ये कार्ड बहुत सारी सफलताओं को लेके आता है, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सफलताओं का मापदंड और पैमाना क्या होगा, ये किस तरह से, ये कहीं ना कहीं आकलन हो रहा है, इसलिए आप इसका विशेष ख्याल रखें मेष राशि के लिए। हम दूसरी राशि की बात करें, वृष राशि, और वृष राशि के लिए कार्ड खुला है हमारा टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स आपको बताता है कि आपके रिश्तों में इस वर्ष बेहद खूबसूरती होगी, साथ ही विवाह योग लोगों के लिए नए प्रपोजल आ सकते हैं, आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही खास बात यह है कि रिश्तों में कहीं भी यदि पुरानी कोई गलतफहमी चली आ रही है तो उन रिश्तों को संवारने का समय है, आप इस पे काफ़ी काम कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बात और है कि आप अपने कार्यस्थल पे भी अपने रिश्तों को और बहुत उम्दा और ठोस बना सकते हैं। हम तीसरी राशि मिथुन की बात करें, तीसरी राशि में ये जो कार्ड खुला है ये कार्ड है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कार्ड हमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, कार्ड बता रहा है कि हमारी जितनी भी कार्य योजनाएं उसमें हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना है। सफलता हमारा इंतजार कर रही है, लेकिन इसके लिए हमने जो काम करना है उसको एक बेहतर प्लानिंग के साथ करें और ये सारी प्लानिंग्स आपकी सफल होने वाली है। हम अगली राशि की बात कर रहे हैं कर्क राशि की, और कर्क राशि में आप देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी कार्ड हमारे लिए प्रकृति की तरफ से बहुत सारी खुशनुमा और बहुत सारी खुशखबरियां लेके आता है। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि कैसे हमें नई सौगात मिल रही है, तो हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है प्रकृति के कामों में, दान करना है, हमें गरीबों की सहायता करनी है। हम इसके साथ एक अगली राशि की बात करें, हमारी अगली राशि सिंह राशि है, और सिंह राशि के लिए हमारा इस बार का 2019 के लिए कार्ड है द हैंग्ड मैन। द हैंग्ड मैन की पोजीशन के अनुसार आप समझ सकते हैं ये कार्ड है सेवा भाव का, समर्पण का। ये कार्ड हमें बताता है, सजेस्ट करता है कि किस तरह से हमें अपने आसपास हर बात का ख्याल कैसे रखना है, कि हमें समर्पण के भाव से सारे काम करने हैं, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपेक्षा करने की बजाय अपने कर्म पे फोकस करें, अपने काम को बहुत ज़्यादा पुख्ता बनाएं। जो भी आपने योजना या जो भी नई शुरुआत आप करना चाहते हैं उनको करें, लेकिन इसमें आप खास बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ ना करें। 2019 में कन्या राशि के लिए हम देख रहे हैं हमारा कार्ड है टू ऑफ वेंड्स। टू ऑफ वेंड्स हमारे लिए लेके आया है काफ़ी मान प्रतिष्ठा और समृद्धि। ये कार्ड हमारे लिए इस तरह से बताता है कि आप चाहें तो रोल मॉडल भी बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, यदि आप अपनी मेहनत और लगन से ऐसा कुछ चाहते हैं जिससे कि एक अलग रिकॉग्नाइजेशन, एक अलग रोल मॉडल बनने की तैयारी में, बिल्कुल कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि तुला की हम बात करें, तुला में सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है। तुला राशि के लिए 2019 में सेवन ऑफ कप्स आपकी अभी तक की सारी फैंटेसीज को पूरा करने वाला कार्ड है, तो याद कीजिए क्या क्या सोच के रखा है आपने जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होने का 2019 में समय है, बस उसके लिए हमें करते जाना है अपनी योजनाओं के अनुसार प्रॉपर काम। जी, तुला राशि के बाद हमारे हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि का इस बार का कार्ड है द मैजिशियन, ये जादूगर। ये जादूगर बताता है कि कैसे आप अपनी आत्म शक्ति से सब कुछ पा सकते हैं। यहाँ पे इस कार्ड का सबसे बड़ा रोल है कि आप जो भी चाहते हैं उस बारे में खास तौर पे विशेष ख्याल रखें। आपने छोटी छोटी योजनाएं भी बनाई हैं, उनको भी करते जाइए, होल्ड मत कीजिए, नया काम करने का बिल्कुल सही समय है, कंटिन्यू करते जाइए। वृश्चिक राशि के लिए वर्ष बहुत बहुत बेहतरीन है। अगली राशि की हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि में हमारा कार्ड है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड थोड़ा सा सावधानी बताने वाला कार्ड है धनु राशि के लिए। इस बार थोड़ा ख्याल रख के काम करने का है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। बाकी अपनी कोई भी काम आप योजनाएं बना रहे हों तो उसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें, किसी भी चीज़ को सीधे अप्लाई करने के बजाय एक बार उस पर रिव्यू लें अपने आसपास का, ताकि आपके लिए वो काम सफलतापूर्वक हो। अगली राशि की हम बात करें धनु के बाद, तो हम आते हैं मकर राशि पे, और मकर राशि का कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है कि कैसे प्रकृति आपका साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रही है। आपको अपनी सारी नई योजनाओं को और अपनी रचनात्मकता को खास करके बहुत विशेष तवज्जो देनी है, ताकि आप नई क्रिएटिविटी इस साल कर सकें। राइटर्स के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। यदि आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, अपनी कोई बुक लाना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस साल कोशिश कर सकते हैं। ये वर्ष बहुत अच्छा होगा, नेम और फेम का साल है। 2019 में कुंभ राशि की हम बात करें तो कुंभ राशि के लिए कार्ड है हमारा नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड। ये नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड हमें बताता है कि बहुत सारे नई चीज़ें करने के लिए हमें अड़ियल रवैये को हटाना होगा इस बार, और किसी भी तरह की नई चीज़ जब आपके सामने आती है तो उसको अपनाने के लिए और क्या नया आप अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं उसको कीजिए। यदि आप किसी एक ही जिद पे अड़े रहे तो आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखें। इसके साथ ये कि अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लें तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम आखिरी राशि पे आ गए हैं, आखिरी राशि हमारी मीन राशि, और मीन राशि का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कार्ड बहुत सारे भाग्योदय लेके आया है मीन राशि के लिए, और मीन राशि के साथ इस बार करियर या बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ के योग हैं। जो भी नई आपको अवसर मिल रहे हैं, इन अवसरों का पूरा भरपूर उपयोग करें। खास करके आप सावधानी रखें, कोई भी अप्रत्याशित घटनाएं भी घट सकती है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़े केयरफुल रहें। ये तो था 12 राशियों का हाल। अब आप ये बताइए कि देश और मध्य प्रदेश का क्या हाल रहने वाला है 2019 में। जी मुकेश जी, इस बार हम भारत की बात करें 2019 के लिए, भारत बहुत अच्छा, बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का वर्ष रहेगा हमारे देश के लिए। और ख़ास बात यह है कि जिस विश्व गुरु होने की हम बात करते हैं, उन सारी चीज़ों में एक नए आयाम की तरफ हम जाएंगे और कुछ नए हमारे रास्ते खुलेंगे। आर्थिक उन्नतियां, कई बड़े अवसर भारत के पास होंगे, जिसमें कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिनमें कि भारत दखल करेगा, और बहुत बड़े कुछ निर्णय इस बार हमारे देश के द्वारा लिए जाएंगे जो वैश्विक स्तर पर एक नई इबारत लिखेंगे पूरे विश्व के लिए। अब हम यदि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के लिए वर्ष हमारे लिए मिला जुला होगा 2019 का। कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना मध्य प्रदेश को करना होगा, क्योंकि अभी जिस तरह से ग्राउंड की चाल है और बाकी भी हम बात करें, तो कुछ आर्थिक चुनौतियों के साथ ही अलग अलग सेक्टर में और कुछ नई परेशानियां भी हमारे लिए लेके आ सकता है। लेकिन 2019 के अंत में इन सारी परेशानियों से मध्य प्रदेश भी उबर चुका होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2019 मध्य प्रदेश के लिए मिला जुला, लेकिन हमारे देश के लिए, भारत के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा और एक नई उन्नतियों, नई चीजों को छूने वाला, नई प्रगति को छूने वाला होगा। ये तो बात हुई आर्थिक और अन्य पहलुओं पर। 2019 में देश में आम चुनाव है और उसके पीछे कई राज्यों में चुनाव है जी। तो 2018 के आखिर में चुनाव हुए, उसके नतीजे आए, तो लोगों की जिज्ञासा ये है कि 2019 में राजनीतिक परिदृश्य क्या उभर सकता है देश का। इस बार जो राजनीतिक परिदृश्य आम चुनाव का होगा, वो हम सारे ग्रहों की दृष्टि और कार्ड के अनुसार भी देखें तो बहुत ही एक नए आपको एस्पेक्ट्स मिलेंगे जो अभी तक हमारे देश में, लोकतंत्र में हमने नहीं देखे हैं। बहुत ये भी कहना चाहूँगी यहाँ पे कि एक निचले स्तर की राजनीति का भी सामना देश को करना पड़ेगा, जिससे हम कैसे उभरेंगे ये उस समय की रणनीति पर भी तय होगा। क्योंकि जब गुरु के अलग अलग राशि परिवर्तन होता है, तो कुछ शनि और राहु के कारण निचली राजनीति का भी सामना हमें करना पड़ता है। तो बस इसी तरह का कुछ हाल रहेगा इस बार। कुछ बड़े गठबंधन और महायोग भी, जो कि राजनीतिक पहलुओं को चेंज करने वाले होंगे। तो ये थी टेरो कार्ड रीडर भूमिका कलम। इन्होंने 12 राशियों के हाल के साथ ही हमें देश के
आर्थिक, राजनीतिक और मध्य प्रदेश के हाल के बारे में भी टेरो कार्ड के हिसाब से बताया कि आने वाला साल 19 कैसा रहेगा।